The acceleration of a particle is increasing linearly with the time t as dt. कोई पार्टिकल है वो linearly acceleration दिया हुआ कैसे कर रहा है, किस कैसे डिपेंड है वो फंक्शन bt पर. The particle starts from origin with an initial velocity v0. The distance traveled by the particle in time t will be. Okay, हमारा दिया हुआ है कि acceleration जो है वो इस तरह का रिलेशन है. डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन टाइम टी, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है. अब देखो डी वी बाई डी टी की अगर मैं बात करूं तो हमारा क्या हो गया, इस तरह लिख सकते हैं क्योंकि हमें क्या है रिवर्स में जाना होगा. डिस्टेंस ट्रेवल की बात हो रही है यानी कि डी वी इक्वल टू बी टी डी टी, इंटीग्रेशन करना होगा. अभी क्या बोल रहा है, स्टार्ट फ्रॉम ऑरिजिन विथ एन इनिशियल वेलोसिटी जीरो, यानी टाइम जब जीरो है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, वी जीरो दिया हुआ है ना. टाइम इक्वल टू टी तो हमारा वी है, कोई इशू नहीं. सो वी माइनस वी जीरो इक्वल टू बी टी स्क्वायर बाय टू, जीरो टू टी यानी कि सिंपल बी टी स्क्वायर बाय टू, कोई दिक्कत होपफुली नहीं. अब हमें रिलेशन एक मिल चुका है कि हमारा जो वेलोसिटी है वो क्या है बेसिकली बी टी स्क्वायर बाई टू प्लस वी जीरो. हमें डिस्टेंस निकालना है यानी कि डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू बी टी स्क्वायर बाई टू प्लस वी जीरो, कोई दिक्कत नहीं. अब यहां से अगर हम लोग इंटीग्रेट कर दें सिंपल डी एक्स बी टी स्क्वायर बाई टू प्लस वी जीरो डी टी, हमारा टाइम इक्वल टू जीरो सही है. अब क्वेश्चन देख लेते हैं वापस क्या है. अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन यानी कि इनिशियल इसका जो ओरिजिन है यानी कि जीरो डिस्टेंस इसका है. एक्स अब यहाँ स्पेस नहीं, यहाँ हम लोग कर लेते हैं तो बेसिकली x माइनस जीरो होगा लेफ्ट हैंड, और राइट हैंड क्या हो जाएगा बी टी क्यू बाई सिक्स प्लस वी जीरो टी, राइट. सो x इक्वल टू बी टी क्यू बाई सिक्स प्लस वी जीरो टी. तो हमारा जो डिस्टेंस का रिलेशन जो आने वाला है टी टाइम में कुछ इस तरीके से आने वाला है. तो हमारा क्या है देखो वी जीरो टी, वी जीरो टी वन बाई सिक्स बी टी की यानी कि हमारा सी ऑप्शन होगा यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन टाइम टी किसी भी टाइम में अगर पूछा है क्या है तो इस तरह के रिलेशन ही फॉलो कर रहा है. ओके क्वेश्चन है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विथ अ वेलोसिटी विथ 20 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, इट हिट्स द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम विथ अ वेलोसिटी ऑफ 80 मीटर पर सेकंड द हाइट ऑफ अ टावर. अब देखो भाई जो ये हमारा टावर है ऐसे कुछ एक ग्राउंड है, यहां से ये बॉल को थ्रो किया गया है 20 मीटर पर सेकंड से, और ये हिट कितना करता है, ये हमारा ग्राउंड है, ये हिट कर रहा है 80 मीटर पर सेकंड से. हमें पता है जी भी कैसा लग रहा हो, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड लग रहा होगा. इफ हिट्स द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम द हाइट ऑफ द टावर, अब आपको पता है कि हाइट बाय द वे हम लोग मान लिया कि एच, तो यहां से सबसे पहले साइन कन्वेंशन को आप समझो. इस डायरेक्शन में जो भी नीचे है सबको पॉजिटिव ले रहे हैं, ये रिलेशन आपने पढ़ा था वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस या एक्स जो भी है. तो हमारा वी है फाइनल वेलोसिटी 80 के स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 20 के स्क्वायर प्लस टू एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में है यानी 10 इंटू एच हाइट. अब ये माइनस हमने किया तो 80
प्लस 20 इंटू 80 माइनस 20 अपॉन 2 इंटू 10 इक्वल टू एच। अब कन्वीनियंस के लिए बस 60 2 इंटू 10 300 मीटर एंड टावर की जो हाइट है 300 मीटर। समझ में आया? बस इसी का ध्यान रखना है कि जहां से आप कंसीडर कर रहे हो ना, यहां से सारे कुछ हमने क्या कंसीडर किया, ए वेलोसिटी डायरेक्शन में है पॉजिटिव, हीट भी इस डायरेक्शन में हुआ पॉजिटिव, डी भी इस डायरेक्शन में पॉजिटिव। ओके, ये नीट 2013 में आया हुआ क्वेश्चन, देखते हैं हम लोग। स्टोन फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, इट कवर्स डिस्टेंस h1 h2 एंड h3 इन फर्स्ट 5 सेकंड, द नेक्स्ट 5 सेकंड एंड द नेक्स्ट 5 सेकंड रेस्पेक्टिवली, द रिलेशन बिटवीन h1 h2 एंड h3। बाय द वे कुछ छत है यहां से, ठीक है ना, यहां से बॉल गिरा, ओके, और ये 5 सेकंड में, यानी सपोज ये 5 सेकंड में ये h1 जाता है, नेक्स्ट जो 5 सेकंड है ये h2 जाता है, और नेक्स्ट जो 5 सेकंड है ये h3 जाता है। h1 h2 भी क्या है हमें पता नहीं, एक रफली मैंने स्केच किया है राइट, लेकिन ये पता है कि ये 5 सेकंड में ये मूव कर रहा है, ये भी 5 सेकंड लग रहा है और इसमें 5 सेकंड लग रहा है। तो फर्स्ट 5 सेकंड में अगर बात बोले कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, तो बेसिकली हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, s is equal to ut plus half at t square, तो h1 is equal to ut, initial velocity हमारा क्या है, 0 है, यहाँ से drop किया, so half z downward, इसको positive लिया, z t square, so 5 का whole square, so this is 25 z by 2, दूसरी अगर h2 की बात करें, तो कितना होगा, यानी कि H1 plus H2 यानी टोटल टाइम कितना है 10 सेकंड, तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं कि H1 plus H2 half G टाइम क्या हो गया 10 के स्क्वायर, बात समझना, सो 100 G by 2। अगर मैं टोटल बात करूं कि H3 है H1 plus H2 इनिशियल वेलोसिटी 0 G, सो 5 कितना हो गया 15 का होल स्क्वायर, यानी 225 जी बाय 2, यानी h1 हमें पता है h2 हमें पता है। अब देखो रिलेशन निकालना है, सो h1 प्लस h2 अपॉन h1 अगर मैं कर लूं, यह है ना h1 प्लस h2 क्या है 100 जी अपॉन 2 डिवाइडेड बाई एंड 2 अपॉन 25 जी 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 4, सो क्या है 1 प्लस h2 बाई h1 इक्वल टू 4, यानी h2 बाई h1 इक्वल टू 3, h1 h2 में एक रिलेशन आया। ओके, अब इसी तरह अगर h1 h2 का वैल्यू हमें पता है 100 जी, तो h3 इक्वल टू 100 जी 225 जी बाय 2 माइनस 100 जी बाय 2, तो अपने पास क्या आ गया 125 जी बाय 2। तो h1 के बीच हमारा रिलेशन पता है, h1 से अगर डिवाइड कर दूं, अगर यहां मैं ऐसे बोल दूं कि h3 अपॉन h1, तब क्या बोलोगे कि 100 जी अपॉन 2 इंटू 2 अपॉन 25 जी 100, यानी कि h3 अपॉन h1 इक्वल टू 4, सॉरी दिस इज 125, दिस इज 125, सो दिस इज 5। सो अब रिलेशन देखो कि h2 बाई h3 H2 by H1 जो है हमारा क्या है 3 एंड H3 by H1 क्या है 5। अब देखो कोई रिलेशन ऐसा है इसमें जो हम लोग निकाल सकते हैं, सो H1 by H2 H1 by H2 3 है, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं,
एच वन बाई एच टू टू, यहां से एच वन बाई एच टू थ्री, एंड एस थ्री बाई एच वन, एस थ्री बाई एच वन इज फाइव. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. ओके क्वेश्चन है, अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाई राइज प्लेटफॉर्म एट टी इक्वल टू जीरो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट. इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, टाइम जीरो है. आफ्टर सिक्स सेकेंड्स अनदर बॉल इज थ्रोन डाउनवर्ड्स फ्रॉम द सेम प्लेटफॉर्म, यानी सेम हाइट की बात कर रहा है, विथ स्पीड वी. द टू बॉल मीट एट टी इक्वल टू 18 सेकेंड, वाट इज द वैल्यू ऑफ वी. देखो यानी कि कोई एक ऐसा है, यहां से एक बॉल को ड्रॉप किया गया जब इसका टाइम जीरो हो. ओके अब ये क्या हुआ कि अपना ये जा रहा है, दूसरे बॉल को लिया गया और उसको यहां से वी वेलोसिटी से फेंका गया. कब? जब टी इक्वल टू 6 सेकंड, यानी कि जब ये 6 सेकंड बॉल ये जा चुका था, यानी बॉल ये कुछ 6 सेकंड सपोज यहां पर होगा, टी इक्वल टू जब 6 था तो ये बॉल यहां से ड्रॉप किया गया. अब क्या होता है कि टी इक्वल टू जब 18 सेकंड था तो ये बॉल और ये बॉल दोनों यहां पर मिलते हैं सेम हाइट पर, यानी कि ऊपर से नीचे जो हाइट है दोनों सेम होते हैं. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी, ये निकालना है. अब आपको पता है कि ये 18 सेकंड में हाइट दोनों का सेम, अगर हम लोग हाइट सेम है तो आप किस तरह के इसमें अप्लाई कर सकते हो टाइम के रिलेशन के साथ. तो हमें पता है एक फॉर्मूला कि एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. एक्स हमारा सेम है तो रेड बॉल के लिए अगर बात बोलें तो एक्स रेड बॉल जो हमने शो किया है ये हमारा क्या है, जीरो है इनिशियल प्लस हाफ, सब डाउनवर्ड पॉजिटिव ले रहे हैं जी. और टाइम कितना ये लेते हैं, कितने सेकंड में, 18 सेकंड में ये यहां पर है इस पोजीशन को दिखाया. अगर मैं जब यहां से दूसरे बॉल ग्रीन बॉल की बात करूं एक्स आर, हमारी इनिशियल वेलोसिटी क्या है वी, ये टाइम कितना लगता है 12 सेकंड में है. बात ध्यान समझना, 18 सेकंड में तो ये गया, ये कब ये छोड़ा गया, टी इक्वल टू 6 सेकंड के बाद, यानी कि ये 12 सेकंड में आया है, यानी कि 12 सेकंड इसको आने में यहां से यहां कितना लगा है 12 सेकंड प्लस हाफ जी 12 का होल स्क्वायर. ये दोनों क्या है, बराबर है एक्स आर, ये जो ट्रेवल किया है 18 सेकंड में, ये जो ट्रेवल किया है 12 सेकंड में, दोनों बराबर है, यानी कि 12 वी प्लस जी वाई टू इंटू 144 इक्वल टू जी वाई टू इंटू 18 स्क्वायर. सो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया एनीवे, सो 12 वी इक्वल टू जी वाई टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो 18 प्लस 12 30 और 18 माइनस 12 6, देखो तो 6 2 यानी v इज इक्वल टू 30 जी बाई 4. z का वैल्यू दे रखा है क्या, कितना लेना, 10 है ठीक है. सो 10 यानी 5 यानी 75 यानी 75 मीटर पर सेकंड से ये किया गया होगा. आंसर दीजिए, यानी कि वी इक्वल टू 75 मीटर पर सेकंड से अगर इसको थ्रो किया जाए 6 सेकंड के बाद तो दोनों सेम फ्रॉम द वर्टिकल यहां से सेम डिस्टेंस पर दिखेंगे, मीट करेंगे. ओके okay?